और मैं हूँ आरती सिंह। भोजपुर में नए एसपी के पद पर ग्रहण करते ही जहाँ अपराधियों के बीच खौफ उत्पन्न की साए मंडराने लगे थे, वहीं कुछ ही दिनों बाद एसपी आकाश कुमार के खौफ को दरकिनार करते हुए पुनः अपराधियों द्वारा आपराधिक घटनाओं का सिलसिला जारी है। सुने, नगर निगम के ठेकेदार व जदयू के नगर महासचिव को गोली मारकर हत्या कर दिया। मृतक ठेकेदार कक्कू पांडे बताए जा रहे हैं, गोली उनके पेट में लगी है। देर रात हुई इस घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। बताया जा रहा है कि इस घटना को अंजाम नवादा थाना क्षेत्र के कलेक्ट्रेट तालाब के पास दी गई। ऐसी अनुमान लगाया जा रहा है कि सूत्रों के माने तो बदमाशों ने गोली मारकर उसे जख्मी हालत में आरा सदर अस्पताल पहुंचाकर फरार हो गए, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया। जख्मी ठेकेदार को पटना में पीएमसीएच ले जाने के क्रम में रास्ते में ही मौत हो गई। सूत्रों की माने तो ठेकेदार को गोली पैसे की लेन देन में मारी गई है। हमारी भौजाई ने फोन किया, उनको नियमित जैसे फोन करती थी रात को 9:30-10:30 के आसपास कि आप कब घर आएंगे। तो एक आदमी पत्रकार ही थे, आप कक्कू पांडे के परिवार बोल रही हैं? तो हाँ बोल रहे हैं। से आइए, उनको गोली लगा सदर अस्पताल में। तो देन अंडर हमसे कहीं कि चलिए उनको गोली लगा है। हम उनको आओ ना देखे तब लेके गाड़ी पर अपना आए, तो यहाँ स्थिति सीरियस थी एकदम। हम लोग उसी समय बोल रहे लोग कि पटना लेके रेफर करना है, पटना को लोग को लेके जाना है। हम लोग देन एंड देन वैन में बैठा, एम्बुलेंस से पटना लेके चल दिए। क्या शंका जाएगी? विवाद पहले से भी कुछ विवाद तो अननोन भौजाई ही स्टेटमेंट दी हैं। विवाद मतलब किसी से था पैसे का लेन देन का लेकर के, भोलू सिंह कह करके कोई नाम आ रहा है ऐसे, वही पैसे का लेन देन में ऐसा कुछ बता रहा था कि भोलू सिंह से मेरा पैसा ठेकेदारी शायद पार्टनरी उन्हीं के साथ थी। उनका सारा कागज पत्र आधार कार्ड वगैरह, एक तो डोंगल भी था एथी का, ये क्या कहा जाता है, पेन ड्राइव का ई जो टेंडरिंग होता है उसका एक डोंगल भी था करके उन्हीं के पास। वो बार बार मांग रहे थे अपने के हमारा डोंगल दे दो से। उसके बाद जैसा ये लोग यहाँ कह रहा था कि उसके बाद वो बोल रहे थे कि ना से पैसा कितना भी बस आई नहीं भी देगा तो हम हाथ जोड़ के अपना निकल जाएंगे। ये सब बात। क्या नाम है आपका? पंकज पांडे। आप मृतक के कौन हुए? छोटे भाई। रात्रि समय करीब 10 बजे हमारे फोन पे डीएस का फोन आया कि किसी को गोली लग गई है। हम तुरंत यहाँ आए और देखे कि बाएं साइड उनको पेट में गोली लगी हुई थी, उनकी स्थिति ठीक नहीं थी। देख करके ऐसा लगा कि भीतर का वाइटल ऑर्गन उनका डैमेज हो गया होगा, मेजर ब्लड प्रेशर या जो भी हो। हम लोग यहाँ उचित इलाज करके तुरंत उनको भेजा गया पटना। रास्ते में ही शायद मृत्यु हुई थी और उसके बाद वो लोग किसी अस्पताल में गए, वहाँ पहुँचने के बाद मृत घोषित कर दिया गया, उनको पुनः यहाँ लाया गया। सुबह पोस्टमार्टम के दौरान काफ़ी प्रयत्न करने के बाद ये पता चला कि गोली दाहिने तरफ जांघ के मांस में फंसी हुई थी। इसका मतलब ये है कि गोली क्लोज रेंज से मारा गया होगा और मृत्यु का कारण है कि मेजर ऑर्गन्स को डैमेज किया गया है। कितने गोली लगी है सर और कौन सी गोली लगी है? एक गोली लगी है और पिस्टल की जो गोली होती है वो संभवतः 7.6 या जो भी होता है, क्योंकि उसके हम लोग विशेषज्ञ नहीं है, गोली को निकाल करके और हम लोगों ने उसको FSL लैब फोरेंसिक साइंसेज लैब में भेज दिया गया जांच के लिए। मारने की पिटने की भी बात आ रही है? मारने पिटने की बात नहीं है, ये क्लोज रेंज से वही एक सफिशियंट है उनके मृत्यु के लिए। भोजपुर जिले के जगदीशपुर पंचायत के राजस्व कर्मचारी राम बालक सिंह को विजिलेंस की टीम ने 6,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार किया है। आरोपी राजस्व कर्मचारी पर आरोप है कि उन्होंने दाखिल खारिज करने के मामले को लेकर आफताब आलम से घूस की मांग की थी, जिसको लेकर आफताब आलम ने विजिलेंस में शिकायत की थी, जिसके निशानदेही पर आज विजिलेंस की टीम ने इन्हें रंगे हाथ अरेस्ट किया। बताया जा रहा है कि शिकायतकर्ता के भाई की जमीन का दाखिल खारिज के लिए 6 माह पहले आवेदन दिया था, लेकिन आरोपी द्वारा काम नहीं किया गया था और इसके एवज में पैसे की मांग किया गया था, जिसको लेकर शिकायतकर्ता विजिलेंस के शरण में जाकर शिकायत की थी, जिसके आधार पर पटना विजिलेंस की टीम ने सत्यता की
जांच कर कार्रवाई करते हुए उसके आवास पर रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल निगरानी की टीम गिरफ्तार किए गए राजस्व कर्मचारी से पूछताछ कर रही है। भाई के जमीन 3 डिसमिल जमीन दाखिल खारज एवं रसीद काटने के एवज में रसीद काटने के लिए ये 6,000 रुपया रिश्वत की मांग कर रहे थे। निगरानी की टीम के पदाधिकारी इसकी सत्यता की जांच कल पूर्वाहन में किए। वो जाकर के रिपोर्ट अपने कार्यालय को दिए। वहां से अजीत कुमार सिंह एवं गोपाल पासवान पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में टीम सुबह पटना से करीब 5 बजे चली। 9 बजे इनके निजी कार्यालय से इनको 6,000 रुपया रिश्वत देते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। फिर किस जी का ये मामला है, कहाँ का मामला है? जगदीशपुर नगर पटना, जगदीशपुर नगर का मामला है। जगदीशपुर नगर में ही वो आफ्ताब आलम के छोटे भाई के नाम से जमीन लिया गया था लगभग 3 दिन से। कितने दिन से तक मामला चल रहा है ये मामला? ये 6 महीना पहले वो आर टी पी एस में वो 6 महीना पहले एप्लीकेशन दिए थे, जिसका आज तक राजस्व कर्मचारी निराकरण नहीं कर पाए। क्या नाम है सर? मेरा नाम भी क्या है? पुलिस अरे मेरे भाई का नाम जो जमीन था एप्लीकेशन करना था उसके लिए, तो 6-7 महीने से टाल मतलब कर रहे थे, तो मैं भी आया जाया करता था, नहीं माने तो रिश्वत ना। कितना मांग रहे थे? 10,000 मांग रहे। अच्छा, 10,000 में 6,000 रुपये दिया गया पहला किस्त। अच्छा, तो क्या नाम है जो 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 मांग रहे थे? राम लायक सिंह है, राजस्व कर्मचारी नगर पंचायत जगदीशपुर। अच्छा, तो क्या बोल रहे थे कि पैसा दीजिएगा तब? RTPS के तहत जमा था। अच्छा अच्छा, जो कानून का काम का अधिकार का कानून उसी के तहत जमा था। तो वो सब ऐसा मामला बहुत सारा लोगों का पेंडिंग रहता है, जो हमेशा दौड़ाते रहते हैं, ये जांच करने की चीज़ है, देखने की चीज़ है कि क्या सच्चाई है मेरे बात में नहीं है। तो अभी क्या हुआ है? इनको हम डिजेंस के द्वारा पकड़वाए रंगे हाथ घुस देकर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आफ्ताब आलम है। कहाँ घर है? सुशासन की नीतीश सरकार सूबे में शराबबंदी कानून को सख्ती से पालन करने का निर्देश पुलिस कर्मियों को दिया है। वहीं शराबबंदी की आड़ में कुछ पुलिस कर्मी निर्दोष लोगों का भी अपना जुल्म ढा रहे हैं। सुशासन की नीतीश सरकार सूबे में शराबबंदी कानून को सख्ती से पालन करने का निर्देश पुलिस कर्मियों को दिया है। वहीं शराबबंदी की आड़ में कुछ तथाकथित पुलिस कर्मी निर्दोष लोगों पर अपना जुल्म ढा रहे हैं। एक ऐसा ही मामला आरा नगर थाना क्षेत्र के शिवगंज मोहल्ले में देखने को मिला, जहां शराब के मामले में आरोपित के बदले पुलिस उसके बाप को उठाकर ले थाने ले आई, जिसके बाद परिजनों व स्थानीय लोगों का गुस्सा पुलिस के खिलाफ फूट पड़ा। सैकड़ों की संख्या में मौजूद महिलाएं व पुरुषों हाथों में डंडा लिए सड़क पर उतर गए, जिसके बाद नगर थाना क्षेत्र के बस पड़ाव के समीप आगजनी कर आरा पटना मुख्य मार्ग को घंटों जाम कर रखा। टेम्पू का भी उनका हाथ में चाबी है वहाँ पर, और टेम्पू लगाने आए हैं, चाय पी रहे थे, ले जाकर धर लिया है। कह रहा है कि दारू बेच रहा है, दारू बोला के बेच रहा है। अब किस जुर्म में धर गए लोग हैं? पार्टी चेक करता सन 10 रुपया 5 रुपया लग जाता सन, वो लड़का के चेक करता सन 10-5 एक ₹50,000 जन पकड़ा जोन मांगा था पैसा, खाली पैसा का बात आप लोग मांग क्या करना चाहती है? अभी सड़क हमने के छूटे के चाहिए आदमी आई जा चौकी बैठा कितने दारू रखा था हमने के सब देखे जात को हमने के गाय जक देखे गाय के रूपा उनको औरत खा ले सबर जा ऐसे बोला इतना गलती काम करत सब का मार तन से छीन सब पैकेट सब पैसा निकाल लेता हम सब गलत होलन से पैसा लेता हम सब जनता से। इसके लिए आप लोग बड़े अधिकारी से शिकायत नहीं किए हैं का? हम लोग तो लोग हमेशा तो डीएम से कहा है, उधर डीएम बदली हो गए थे, फिर कहेंगे हम पुलिस चौकी देंगे तो देंगे। ये सब लुटेरा सब आ गया, सबसे बोला कता ही तंग करता है, पर निहार लगा के मार देता है सर जहाँ तहाँ।
आई है टेम्पू चलानी हाल अधिकारी है नाम बताइए कौन अधिकारी है अरे अरे जो लड़का को पकड़ क्या नाम है आपका हमारा नाम भूटान जाधव पड़ता है धरारा पुल के पास राजद के कार्यकर्ताओं के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया साथ ही मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की मांग की नीतीश कुमार खबरों में वक्त हो चला अब एक छोटे से ब्रेक का आप बने रहिए हमारे साथ।